विधायक लखिंदर पासवान हैं, सदन के अंदर आपको दो दिनों के लिए निलंबित किया गया है, क्या कहेंगे? बिहार के जनता के लिए और पातेपुर के जनता के लिए, जिसने हमको क्षेत्र के विकास के लिए पातेपुर में के बिहार के विधानसभा में भेजा है, इस विषय को उठाने के लिए, अगर दलितों को मुद्दा उठाना, आम जन के हित में उठाना, सेविका और सहायिका बिहार भर के मुद्दा उठाना, बिहार के छात्रवृत्ति के मुद्दा उठाना, इस सब विषय को उठाने में यदि सरकार को इस बात को लगता है कि एक दलित का बेटा, एक पासवान के बेटा विधानसभा में इस विषय को लिखा रहा है जो दलित विरोधी सरकार है और कठोर निर्णय लेकर हमको दो दिनों तक निष्कासित करती है, तो बिहार विधानसभा में दो दिनों तक हम नहीं उठा सकते हैं, लेकिन विधानसभा से बाहर मैं उस मुद्दा को उठाते रहूंगा और मुझे इस बात को कोई चिंता नहीं। बिहार के विकास के लिए, जनहित के विकास के लिए, दलितों के उत्थान के लिए स्कॉलरशिप मिलने के लिए और सेविका सहायिका को सम्मानजनक वेतन मिलने के लिए दो दिन नहीं 200 दिनों तक निष्कासित कर देंगे तो मुझे कोई गम नहीं। एकदम पक्षपात किया गया है संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिस प्रकार भाषा के इस्तेमाल करके किया गया है एकदम अशोभनीय है, पक्षपात है, यह दलितों के साथ अन्याय है। इसका जवाब 2024 और 25 के चुनाव में बिहार के दलित समा देगा। हमारे साथ लखिंदर पासवान थे, जिन्हें सदन से दो दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि भले ही मुझे दो दिनों के लिए सदन में निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन मैं जनता के लिए सदन के बाहर भी आवाज उठाता रहूंगा और इसका जो जवाब है जनता 24 और 25 के चुनाव में देगी। हमारे साथ बने रहे अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।